अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। उम्मीद करती हूँ जो भी ये वीडियो देख रहा है अल्लाह ताला आपकी हर एक जायज़ हाजात पूरी करें, आमीन सुम आमीन। तो भाई सुबह सुबह हम आ गए थे पार्क। ये पार्क हमारे घर से 700 मीटर की दूरी पर है एंड फिर भी बहुत ही ओकेजनली हम यहाँ पे आते हैं। देखो इतनी नज़दीक होकर पार्क घर के, इतना खूबसूरत पार्क है, बट फिर भी हम यहाँ पे नहीं आ पाते क्योंकि बच्चे आजकल बहुत बिजी हैं। अब चल रहा है बच्चों का दशहरा वेकेशन, तो मैंने सोचा इसी बहाने ले लेते हैं किचन से छुट्टी एंड आज ब्रेकफास्ट बनाना कैंसिल। हम मॉर्निंग यहाँ पे स्पेंड करेंगे, मज़े से एंजॉय करेंगे मॉर्निंग को एंड देन गरम गरम इडली डोसा होटल से खा के ब्रेकफास्ट को करेंगे फिनिश। यहाँ पे आकर ये खूबसूरत नज़ारे देखकर एक बात दिल में याद आई, कहीं पर मैंने पढ़ा था गार्डन में भी झाड़ पेड़ पौधे होते हैं एंड जंगल में भी झाड़ ही होते हैं, बट जंगल के झाड़ देखकर ना इंसान को डर लगता है, दहशत सी होती है एंड गार्डन के झाड़ को देखकर इंसान को मुतमईन सुकून ठंडक पहुंचती है दिल में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो माली होता है बड़े प्यार से बड़ी मोहब्बत से यहाँ के झाड़ को पेड़ पौधों को देखभाली करता है, उन्हें ट्रिम करता है, उन्हें पानी देकर गाइड करता है। कहीं ना कहीं एक माँ बाप का भी तो यही फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चों को गाइड करे, उन्हें प्रॉपर नरिशमेंट दें, उन्हें इखलाक से पालें एंड अगर ज़रूरत पड़े तो ट्रिम भी करें उन्हें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह हम सब की औलादों को दिल का सुकून, आंखों की ठंडक देने वाले बनाए एंड कौम को आगे बढ़ाए। अच्छा ना, मुझे मेरे व्यूअर्स बहुत प्यारे हैं एंड मैं आप लोगों के लिए हमेशा दुआएं करती हूँ, अपनी दुआएं में आपको शामिल करती हूँ एंड वीडियोज़ में भी बहुत सारी दुआएँ करती हूँ। इस दुआ पर ना अपनी प्यारी सी छोटी सी एक आमीन ज़रूर लिखें क्योंकि दुआएं होती हैं ज़रिया ज़िंदगी खूबसूरत बनाने की। तो मिलकर एक दूसरे की ज़िंदगी खूबसूरत बनाएं एंड खुशियां बांटें। अब भाई यहाँ पे चल रही है आफ्टर पार्टी क्लीनअप। एक प्यारे से लड़की ने मुझे बुके गिफ्ट किया था एंड मुझे ये देखकर इतनी खुशी मिली। भाई ज़िंदगी के सारे कॉस्टली गिफ्ट एक तरफ एंड फूल एक तरफ, इन्हें देखकर जो खुशी होती है ना वो कहीं पर और नहीं मिलती। आफ्टर पार्टी क्लीनअप मतलब घर में हो गई थी अचानक से एक पार्टी एंड उस सिलसिले में हम बात करेंगे आगे चलकर वीडियो में एंड घर में चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो काफ़ी स्ट्रेसफुल माहौल है, एकदम ज़ोरों से शोरों से पढ़ाई एंड रिवीजन चल रहे हैं यहाँ पे। अगर आपके घरों में भी मेरी तरह मज़ेदार पकवानों की डिमांड है, मतलब कड़कता तड़कता फुल बगार फुल फ्राई आइटम्स, तो आई एम श्योर आपके स्वीट बोर्ड भी एकदम डर्टी एंड बहुत ही चिपचिपे हो गए होंगे। तो आपके साथ एक क्लीनिंग हैक शेयर कर रही हूँ, ऑलवेज कीप WD सॉल्यूशन इन योर हाउस, बट इसे यूज़ करते वक्त मेक श्योर कि आप दरीचे के पास या फिर विंडो के पास खड़कर इसे स्प्रे करें क्योंकि इसकी जो स्मेल है बहुत ही ओवरपावरिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लीनर है। तो बस एक टिश्यू पेपर ले ली एंड उस पर ये स्प्रे कर दें एंड उसे लेकर आप अपने स्विच बोर्ड्स वाइप कर दें। स्विच बोर्ड्स, इट्स नॉट वाइज टू क्लीन स्विच बोर्ड्स विद अ वेट क्लॉथ क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक्स के चांसेस होते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शन एंड बहुत ही ईजिली, मतलब चुटकियों में आपकी चिकनाई, एकदम ज़िद्दी चिकनाई भी निकल कर आ जाती है। क्योंकि मेरे स्विच बोर्ड्स काले रंग के, यू कैन नॉट रियली सी द डर्ट, बट बहुत ज़्यादा डर्ट अक्यूमलेटेड था यहाँ पर एंड बहुत चिकने थे यहाँ के स्विच बोर्ड्स, बट एंड देन आई टेल यू बहुत ही ईजिली क्लीनिंग हो गई थी कम्प्लीट। WD-40 मेरे ख्याल से बहुत ही अमेजिंग मल्टीपर्पज़ सॉल्यूशन है, तो आप ये घर में हमेशा रखें एंड ज़्यादातर ज़िद्दी बहुत ही ज़्यादा चिकने जो टफ स्टेन्स होते हैं बहुत ही ईजिली एफिशिएंटली एंड चुटकियों में क्लीन हो जाते हैं। अच्छा, जब मैं जिम में वर्कआउट कर रही थी मेरी बड़ी बच्ची का फ़ोन आया एंड उसने कहा कि मम्मा मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, सो यू हैव टू कुक समथिंग स्पेशल। 8 से 6 लड़कियाँ आएँगी, आई डोंट नो द अप्रॉक्स नंबर, बट यू हैव टू कुक समथिंग नाइस फॉर देम। तो इमीडिएटली मैं जिम से अपना वर्कआउट ख़त्म करके गई थी मैं शॉपिंग के लिए। फटाक से मैं शॉपिंग करके सामान लेके आ गई घर एंड यहाँ पे मैं कुकिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे इन्फॉर्म किया गया था 1:00 एंड बाई 3:30 एवरीथिंग वॉज रेडी।
क्या क्या बनाया चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पे पहले बॉईल कर लिया पास्ता। अब पास्ता में मैंने घास का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं बना रही हूँ सलाद, तो मैंने इस स्टीमर में अलग से डाल के वेजिटेबल्स स्टीम कर दिए एंड पास्ता मैंने कुकर में बॉईल कर दिया। इसी के साथ मैंने पोटैटो पील करके डाल दिए ताकि पास्ता और पोटैटो साथ में बॉयल हो जाएंगे, वेजिटेबल भी स्टीम हो जाएंगे एंड इसे मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया। जब भी आप कोई भी वेजिटेबल सलाद बनाएं तो इट शुड बी वेल स्ट्रेन एंड बिल्कुल भी उसमें मॉइस्चर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से मैंने स्ट्रेन करने रख दिया सारे वेजिटेबल्स को वॉश करके, इवन पास्ता को भी वॉश करके स्ट्रेन होने के लिए छोड़ दिया मैंने। एंड जब तक ये स्ट्रेन हो रहा है मैं यहाँ पे बना रही हूँ गार्लिक बटर। अब गार्लिक बटर का इस्तेमाल करके बहुत मज़ेदार हम बनाएंगे गार्लिक ब्रेड्स। बटर ले लिया मैंने, ये तकरीबन 30 ग्राम बटर है एंड 3 गार्लिक को क्रश करके चॉप कर लिया वो इसमें डाल दिया मैंने एंड देन रेड चिली फ्लेक्स एंड ऑल स्पाइस पाउडर, तो ये इटालियन सीजनिंग मिक्स है ये डाल दिया मैंने एंड नमक बहुत ही कम यूज़ किया मैंने क्योंकि ऑलरेडी सॉल्टेड बटर था, सो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल अराउंड सॉल्ट क्योंकि बटर को मैंने बाहर छोड़ दिया था 5-10 मिनट तक, तो ईजिली मैश हो गया, मतलब स्मूथ सा मिक्सचर बन के रेडी हो गया। इसमें डाल दिया मैंने 2 टेबलस्पून क्रीम चीज़ एंड इसे अच्छे से मिक्स कर लिया एंड हमारा गार्लिक स्प्रेड रेडी हो गया जो कि बहुत बहुत अमेजिंग एंड बहुत टेस्टी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख के पता लगा सकते हो कि कितने यम्मी गार्लिक ब्रेड्स बनने वाले हैं। क्योंकि बच्चियाँ डायरेक्ट स्कूल से आ रही थी सो आई वॉन्टेड टू मेक देम समथिंग विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स ताकि उन्हें अच्छे फाइबर्स भी मिले, तो इसलिए बना रही हूँ यहाँ पे सलाद। सारे वेजिटेबल्स मैंने सीड्स निकाल कर काटे क्योंकि जब भी आप सलाद बनाते हो ऑलवेज मेक श्योर कि आप वेजिटेबल्स को डीसीड कर लो, जैसे कि टमाटर या फिर कंकड़ी आप यूज़ कर रहे हो तो उसके सीड्स निकाल दो, बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते जब आप सलाद में सीड्स के साथ वेजिटेबल्स डाल देते हो। सुपर फास्ट हो गए मेरे वेजिटेबल काट कर रेडी। यहाँ पे आलू, गाजर, टमाटर, खीरा एंड देन कैप्सिकम कटे हुए हैं एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ ड्रेसिंग रेडी। ड्रेसिंग क्रीमी एंड थिक बनेगी क्योंकि बच्चे हैं उन्हें इतनी कैलोरी चलती है। यहाँ पे मैंने डाल लिया मायोनीज एंड देन फ्रेश क्रीम, भर भर के डाला मैंने दो भी क्योंकि टेस्ट भाई टेस्ट एंड इसमें डाल दिया मैंने गार्लिक पाउडर, लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर पाउडर। बस यही था, ज़्यादा कुछ स्पाइसेस मैंने डाले नहीं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि अच्छे से यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी का एकदम स्मूथ एंड गुड टेक्सचर की ड्रेसिंग हमारी रेडी हो जाए। अच्छा आपको तो पता ही कि मुझे टेबल सजाना कितना पसंद है एंड प्लेटिंग का कितना शौक है, बट अनफॉर्चुनेटली आपकी बहन का ये अरमान पूरा नहीं हुआ आज क्योंकि बच्चियाँ जो है थकी हारी कॉलेज से डायरेक्ट आ रही थी एंड जैसे ही मैं पका रही थी डायरेक्ट उन्हीं की प्लेटों में जा रहा था एंड वहाँ पे ख़त्म हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की शान है, रिज़्क देने वाला और रिज़्क में बरकत देने वाली ज़ात बस उसी की। इतनी मज़े की ड्रेसिंग बनके तैयार हो गई। वैसे मेरा दिल बहुत कर रहा था कि मैं चिकन सलाद बनाऊं, बट जो बच्चियाँ आ रही थी उनमें एक वेजिटेरियन थी तो मैंने सोचा कि वेजिटेरियन सलाद बनाते हैं। मेन आइटम में अगर वेजिटेरियन होगा तो सब हर कोई मिलकर एंजॉय करेगा। अच्छा सलाद के इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे बॉयल पोटैटोज़ हैं एंड देन ब्रोकली एंड मटर, ये सब मैंने बॉयल कर लिया था, आपको बताया था प्रोसेस कैसे बॉयल किया। एंड देन जो रॉ वेजिटेबल्स हैं उनमें कैरेट है, कैप्सिकम है एंड देन कुकुम्बर अलॉन्ग विद टोमेटो। टोमेटो एंड कुकुम्बर को मैंने डीसीड कर लिया था, इसे अच्छे से जेंटली मिक्स किया एंड जब ये कम्प्लीटली मिक्स हो गया तो मैंने गार्निश कर लिया मस्टर्ड सॉस से। तो मस्टर्ड सॉस ना क्रीमीनेस को एकदम तोड़ता है, तो ओवर क्रीमीनेस को एकदम बैलेंस कर लेता है आपका मस्टर्ड सॉस। अच्छा ये आइटम हो गया कम्प्लीट, टाइम आ गया बनाने का गार्लिक ब्रेड। गार्लिक सॉस हमारा रेडी हो गया है एंड यहाँ पे मैं रेडीमेड जो ब्रेड्स होते हैं वो यूज़ कर रही हूँ, इन पर सॉस लगाकर मैं इन्हें बेक कर दूँगी, तो ग्रिल कर दूँगी मैं अपने ओवन में। मुझे ना गार्लिक ब्रेड बहुत ही कन्वीनियंट लगते हैं स्पेशली ऑन शॉर्ट नोटिस, अगर आपको पार्टी अरेंज करनी हो तो स्पेशली हाई टी आइटम्स तो बहुत ही कन्वीनियंट है। यू जस्ट हैव टू मेक द गार्लिक बटर एंड इमीडिएटली आप ये ब्रेड लेकर आकर इसे ओवन में स्प्रेड लगाकर इसे ओवन में ग्रिल कर सकते हो, सो यू हैव अ वेरी टेस्टी सेवरी आइटम रेडी टू ईट एंड काफ़ी फीलिंग भी होता है। तो इसमें ना दिल भर के मैंने डाल दिया मोज़रेला चीज़ ऊपर एंड फिर इसे ग्रिल कर दिया इन अ प्री हीटेड ओवन फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद ना मैंने इसे निकाल कर ऊपर जो है ऑलिव ऑयल ब्रश किया। ऑलिव ऑयल ब्रश करने से ना आपके गार्लिक ब्रेड्स हार्ड नहीं होंगे,
क्रिस्प रहेंगे ऊपर एंड एकदम सॉफ्ट रहेंगे टेक्सचर में, तो बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी बनेंगे। हाँ, ऊपर थोड़ा इटालियन सीजनिंग मैंने गार्निश किया ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। एंड दिस इज़ हाउ द फिनिशिंग लुक्ड ऑफ द सलाद एंड गार्लिक ब्रेड्स। तो बड़े मज़े के पकवान बने थे एंड साथ में मैंने फ्राई किया था चिकन पॉपकॉर्न। चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर बहुत टाइम डाली है, तो वापस से इसकी रेसिपी बताकर आप लोगों को बोर नहीं करूँगी। बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जब भी आप टेबल सेट कर रहे हो तो कोई ना कोई फ्राइड आइटम हो, एंड फ्राइड आइटम में किसी भी तरीके का एक कबाब हो। इन सब के साथ मेनू में शामिल था फ्रेंच फ्राइज, तो बस सिंपल से फ्रेंच फ्राइज डाल दिया एंड ऊपर मैंने डाल दिया पेरी पेरी मसाला। तो ये पेरी पेरी मसाला आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, बस वो डाल दिए एंड गर्मा गर्म फ्राइज पेरी पेरी मसाले वाले रेडी हो गए। बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। यहाँ पे मैं वीडियो एंड करती हूँ, उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बाय गाइस, सी यू अगेन वेरी सून।